हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मुझे एक मिनट रुक। हाँ जी, आप लोग किस किस स्कूल, नमस्ते, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कहाँ पे है ये इंडियन पब्लिक स्कूल? अच्छा है स्कूल, पढ़ाते हैं? किस क्लास तक है? किस कक्षा तक है? टेन तक। तो टेन तक है, और दसवीं का बच्चा कौन है इसमें? नौवीं का कौन है? आठवीं का कौन है? सात के बहुत ज्यादा बच्चे। तो रोज ये बस कहाँ से चलती है, कहाँ पे खत्म होती है? कितने सीटर बस है ये? कितने बच्चे बैठे हैं अभी? कितने बैठे हैं भाई? 18 में कितने बैठा रखे हैं? अभी ओवरलोडिंग से एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता है ना? कितने बच्चे बैठाओगे भाई? और आप में से कितने बच्चों को सीट मिल पाती है? खड़े हो जाते हैं तो खाली बोले। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ। जैसे आप लोग खड़े ही जाते हैं, फिर बैठते कितने बच्चे हैं? एक में तीन, तीन 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 चार सात, बहुत गलत बात है। आप लोग कितने पैसे देते हैं एक महीने में बस को? 300 रुपये देते हैं। 300 रुपये लेके तुम ये हल कर रहे हो उनका? टोटल कितने बच्चे जाते हैं बस में? आप बताइए टोटल कितने बच्चे बैठते हैं? रोज आप स्कूल जाते हो ना, कितने जाते हैं सब मिलकर? अरे आपको पता होगा, बस में जाते हैं अभी, बताओ बताइए। ओके जी, किसने बताया ये? ओके, सुबह को ज्यादा जाते हैं, शाम से? सुबह कितने जाते हैं लगभग? 39। बच्चा इंटेलिजेंट है। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप। सैनी रुद्र प्रताप, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। चलो भाई, इसकी रिकॉर्डिंग बना दो बस की, और चलान इसका आराम से कराएंगे। खाली नंबर वंबर की कौन बनाएंगे? ओवरलोड का तो बन ही गया ना, बस नंबर पे फोकस कर लो, बाकी चलान कर। अब चले जाओ, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा।